नमस्कार, सिविल सेवा प्रधान परीक्षा 2014 मॉक 8 के विश्लेषण में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रश्न पत्र के खंडवार विश्लेषण पर। यह प्रश्न पत्र जीएस के प्रश्न पत्र 4 से पर आधारित है, जो कि अभी 2013 मेन से उसमें सिलेबस में जोड़ा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध से दो प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके कुल अंक होते हैं 35। अभिवृत्ति तथा अभिरुचि से दो प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके कुल अंक होते हैं 40। सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके कुल अंक होते हैं 85। नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके कुल अंक है 45। शासन व्यवस्था में ईमानदारी पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके कुल अंक होते हैं 25। तथा कार्य संस्कृति से 1 प्रश्न पूछा गया 20 अंकों का। इस प्रकार कुल 15 प्रश्न हो जाते हैं और कुल अंक हो जाते हैं 250। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। कमजोर वर्ग के प्रति लचीलापन तथा परोपकारिता सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों में से एक है। प्रासंगिक उदाहरणों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हमें परोपकारिता को समझाना होगा, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना होगा परोपकारिता का। देखते हैं उत्तर को। परोपकारिता दूसरों के कष्ट की अनुभूति करना है। परोपकारिता ऐसी भावना है जिसे व्यक्ति दूसरों को कष्ट में देखकर महसूस करता है और उसकी सहायता करने की इच्छा से प्रेरित होता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। बेहतर नीति निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन तभी किया जा सकता है जब सिविल सेवक समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना रखते हैं। ये लाइन भी अंडरलाइन की जानी चाहिए। परोपकारिता अवसरों की समानता और संसाधनों के समान वितरण के सिद्धांत पर आधारित है और जो लोग इनका लाभ पाने में अक्षम हैं, उनके बेहतर जीवन के प्रति दायित्व इसके न्यूनतम प्रावधानों में से एक है। स्वतंत्रता के समय भारत ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया, जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों में निहित है। यहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रशासन में अंतर भी दिखता है। निजी क्षेत्र को ग्राहकों के एक निश्चित समुदाय को सेवा देनी होती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों के लाभार्थी आम नागरिक होते हैं और उसमें भी कमजोर वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा उदाहरण आप हॉस्पिटल्स का देख सकते हैं। एक तरफ एम्स है और एक तरफ मेदांता जैसे हॉस्पिटल्स भी होते हैं। दोनों में जो फर्क है वो आप समझ सकते हैं। एम्स पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता है, पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित है। तो दूर दूर के राज्यों से जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी एम्स में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। अगर मेदांता की आप बात करते हैं या ऐसे किसी और बहुत बड़े हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो वहाँ आप देखते हैं कि एक विशेष वर्ग जो उसको अफोर्ड कर सकता है वो ही वहां पे इलाज कराने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं, उत्तर को देखते हैं आगे। उदाहरण के लिए सिविल सेवकों को समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम इत्यादि के क्रियान्वयन में संवेदनशील होना चाहिए। लचीलापन भिन्न विचार, व्यवहार, नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीयता वाले लोगों को स्वीकार करना है। यह धर्मांधता से मुक्ति है। यह दूसरों के व्यवहार और विश्वासों को स्वीकार करना और उनका आदर करना है। एक सिविल सेवक को एक ऐसे देश में प्रभावी कार्य संचालन के लिए विविधताओं और विषमताओं के प्रति लचीले होने की आवश्यकता है, जहां धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता है तथा जाति, वर्ग और लिंग पर आधारित विषमता है। अर्थात सिविल सेवकों को लचीले होना चाहिए तथा लोगों की परंपराओं और प्रथाओं का आदर करना चाहिए। कई बार इस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि जो प्रशासन होता है पूरी तरह से असंवेदनशील होता है। तो इस प्रश्न के माध्यम से यही जानना चाह रहे हैं कि जो है कि संवेदनशील होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और परोपकारिता की जो भावना होनी चाहिए वो एक उसका फंडामेंटल वैल्यू है, वो होनी चाहिए उसमें।
देखते हैं प्रश्न संख्या दो। यह केस स्टडी पर आधारित है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय जेड जो देश के प्रमुख विश्वविद्यालय में से एक है के डीन है, विभिन्न संप्रदायों एवं धर्मों के व्यक्ति हैं। हर संप्रदाय अपने पूजा पाठ के लिए अलग अलग दिनों को शुभ मानता है। पाठ्यक्रम की महत्ता को ध्यान में रखते हुए और इस बात का इसका सुनिश्चित करते हुए कि विद्यार्थियों पर अंतिम परीक्षा अवधि में कार्य का अत्यधिक बोझ ना पड़े, निर्णय लिया गया है कि कुछ विषयों की परीक्षाएं सप्ताहांत में ली जाए। एक समुदाय के सदस्य मांग कर रहे हैं कि उन्हें शुक्रवार की शाम और शनिवार को परीक्षा में शामिल होने से छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि यह समय उनकी पूजा अर्चना का होता है। परीक्षा संचालित करने वाले विश्वविद्यालय विनियमों का अनुपालन करने के बजाय उन्होंने परीक्षा देने से मना कर दिया। उन्होंने अपने समुदाय के विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षाएं आयोजित किए जाने की मांग की। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक आपको इस बात की जानकारी देता है। आपके समक्ष लाए जाने पर इस मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अपने उत्तर के पक्ष में उचित तर्क प्रस्तुत कीजिए। इसके उत्तर को देखते हैं। मेरे विचार से कुछ विद्यार्थियों के धार्मिक विश्वासों को सुविधा दी जानी चाहिए, अर्थात उन्हें किसी विशेष दिन परीक्षा में उपस्थित रहने से छूट दी जानी चाहिए। समग्र अध्ययन के लिए कक्षा में नियमित उपस्थिति को अनिवार्य समझा जाता है और कम उपस्थिति को सफलतापूर्वक किसी पाठ्यक्रम को पूरा करने, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने और छात्रवृत्ति के लिए अर्हता में बाधक समझा जाता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी जो कॉलेज की परीक्षा में धार्मिक कारण से अनुपस्थित रहता है, उसको विशेष दिवस की परीक्षा उन्हें देने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। मेरी राय में कॉलेज के सूचना पट पर सत्र के प्रारंभ में ही परीक्षाओं से संबंधित एक कैलेंडर लगा दिया जाना चाहिए। शिक्षकों और विद्यार्थियों की एक बैठक में विद्यार्थियों की भी सम्मति ली जानी चाहिए और परीक्षा कार्यक्रम में समुचित परिवर्तन किए जाने चाहिए, ताकि किसी विद्यार्थी को परीक्षाओं के दौरान धार्मिक कारण से असुविधा ना हो। कॉलेज के प्राधिकारियों को विद्यार्थियों के निवेदनों को यदि वे समुचित समय पर मिले तो उन्हें परीक्षा कार्यक्रमों के साथ समुचित तरीके से समायोजित करना चाहिए। यद्यपि विद्यार्थियों को उनके धार्मिक महत्व के कार्यों का प्रमाण साथ लाने को कहा जा सकता है, जैसे उनके धार्मिक संस्थानों के लेटर हेड पर किसी प्राधिकारी द्वारा लिखित सूचना इत्यादि। अंतिम समय में किसी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी परीक्षाओं की तिथि से संबंधित किसी समस्या के बारे में उपयुक्त प्राधिकारी को एक निश्चित तिथि तक अवगत कराने के लिए कहा जाना चाहिए, जिसके बाद कोई भी निवेदन स्वीकार ना किया जाए। यदि उस निश्चित तिथि के बाद कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विभाग अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। यदि विद्यार्थी विभाग अध्यक्ष के निर्णय का स्वीकार नहीं करते हैं तो इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार अपील स्वीकार नहीं होगी। तो इस तरह की समस्या ये होती है, संस्थानों में होती है, खासतौर पर शैक्षणिक संस्थानों में होती है। और कॉलेजेस में कई जगह इस बात की छूट दी भी गई है कि हाँ, कोई विशेष संप्रदाय के विद्यार्थी शुक्रवार को जल्दी जाना चाहते हैं कॉलेज से या स्कूल से तो वो जा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जरूरी भी है। देखते हैं अगला प्रश्न। मदर टेरेसा को गरीब, बेघर और रोगग्रस्त लोगों के प्रति उनके असाधारण प्रेम और समर्पण के लिए जाना जाता है। देश के उत्पीड़ित तथा जरूरतमंद लोगों की पीड़ा में कमी लाने और निराश्रित लोगों के जीवन में बदलाव लाने में उनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। अथवा राष्ट्र के कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के विशेष संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का उल्लेख करते हुए उनके जीवन एवं गतिशीलता पर एक लेख लिखे। तो इस प्रश्न में चॉइस दी हुई है, या तो आप मदर टेरेसा के बारे में लिख सकते हैं या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में लिख सकते हैं। उत्तर को हम देखते हैं। पहले मदर टेरेसा के बारे में देखते हैं। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम एग्नेस गोंजा बोजा जी उठा। वे अल्बानियाई मूल की थी और उनका जन्म स्कोपजे मैसिडोनिया में हुआ था। विश्व की सर्वाधिक सम्मानित महिलाओं में से एक मदर टेरेसा को गरीबी और उपेक्षा झेल रहे लोगों, विशेषकर कलकत्ता के झुग्गी वासियों के लिए
उनकी चैरिटी के कारण अंतरराष्ट्रीय तौर पर जाना जाता है। वर्ष 1969 में मानवता के प्रति उनके कार्यों के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्राप्त हुआ और विश्व भर के कई शिक्षण संस्थानों से विभिन्न उपाधियां भी मिली। वर्ष 1952 में कलकत्ता में मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय की स्थापना की, जहां गंभीर रूप से बीमार और मरणासन्न लोग गरिमा के साथ रह सकते थे। अपने धार्मिक विश्वासों के बावजूद मदर टेरेसा ने संस्था के स्वयं सेवकों से उन लोगों के धार्मिक विश्वासों का सम्मान करने को कहा जो अपने अंतिम दिन बिताने वहां आते थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में उनके निर्देशन में शांतिनगर नामक एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना की गई। इसको अंडरलाइन भी करना चाहिए, इस तरह के जो नाम दिए हुए हैं, जैसे निर्मल हृदय की बात की गई है शांतिनगर की, और जो उनको भारत रत्न और शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, तो वो सब चीजें अंडरलाइन जरूर करिएगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शाखाएं विश्व भर में फैली थी। वर्ष 1968 में पोप पॉल VI ने मदर टेरेसा को रोम में इसकी एक शाखा स्थापित करने का निमंत्रण दिया। वर्ष 1968 में उन्होंने मदर टेरेसा को प्रथम पोप जॉन 13 पुरस्कार प्रदान किया, पोप जॉन 23 पुरस्कार प्रदान किया। वर्ष 1968 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के दरिद्र अश्वेतों से लेकर वर्ष 1980 की शुरुआत में युद्ध प्रभावित लेबनान के मुसलमानों और ईसाइयों तक के लिए मदर टेरेसा के निर्देशन में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के अंतर्गत अनाथालयों, पोषण केंद्रों, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और विद्यालयों की स्थापना की गई। ये लास्ट की तीन लाइन जरूर अंडरलाइन करनी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर का जीवन और उनकी शिक्षाएं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य संरचनाकार थे, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता था। एक गरीब महल परिवार में जन्मे बाबा साहब ने सामाजिक भेदभाव, हिंदू समाज के चार वर्णों में बांटने वाली चतुर्वर्ण पद्धति और जाति प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और सैकड़ों हजार दलित अछूतों को थेरवादी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। मरणोपरांत वर्ष 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसको अंडरलाइन करेंगे और ये भी अंडरलाइन करना कि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और सैकड़ों हजार दलित अछूतों को थेरवादी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से जूझने के बावजूद अंबेडकर महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले अछूत भारतवासी थे। विधि शास्त्र में डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें विधि अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में उनके शोध के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। अंबेडकर को एक विधिवेत्ता के तौर पर ख्याति मिली। कुछ वर्षों तक वकालत करने के बाद उन्होंने भारत में अछूतों को राजनीतिक अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया, जो कि बाद में एक राजनीतिक आंदोलन बना। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। यह केस स्टडी पर आधारित है। अजीम एक अशक्त एवं दीर्घकालीन रोग से ग्रस्त है। उनके बार बार अस्वस्थ होने के कारण वे लंबी अवधि से अनुपस्थित चल रहे हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें सौंपे गए कार्यों का ढेर लग जाता है और लंबित रहता है। इससे उनके वरिष्ठ अधिकारी को भी दुविधा होती है, जो परेशानी का सामना कर रहे कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति तो रखता है, परंतु वह विभाग अध्यक्ष के प्रति कार्य निष्पादन के लिए भी उत्तरदायी है। यह मामला और भी गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि अजीम दूसरे राज्य से है और अपने माता पिता की एकमात्र संतान है। यदि उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है तो उनके साथ साथ उनके माता पिता और पूरे परिवार पर आर्थिक संकट आ जाएगा। अजीम के वरिष्ठ अधिकारी को क्या कदम उठाना चाहिए जिससे कि अजीम को कोई क्षति पहुंचाए बिना वह अपना उत्तरदायित्व निभा सके। या दूसरी की स्टडी है, क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को लाभ अर्जन में वृद्धि करने के रूप में जाना जाता है? विस्तृत विवेचना कीजिए।
इसके उत्तर के स्वरूप को देखते हैं। कर्मचारी की बीमारी और अनुपस्थित से निपटने में उससे संबंधित परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता और कानूनी उत्तरदायित्व की जानकारी आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में नियोक्ता पर कार्यस्थल से संबंधित आवश्यक समंजन करने की कानूनी बाध्यता होती है, जिससे कर्मचारी अपना कार्य कर सके। अजीम के वरिष्ठ अधिकारी के लिए एक विकल्प यह हो सकता है कि वह उनके लिए भी कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के समान उत्तम मानदंड अपनाए। अधिकांश कार्यालयों में अक्षम कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों के निपटान के लिए अलग विभाग होता है। इस विभाग से संपर्क कर वरिष्ठ अधिकारी पहले यह पता कर सकता है कि कानूनी बाध्यताएं क्या है। इसके बाद इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि समस्या के समाधान के लिए कौन से आवश्यक परिवर्तन नैतिकता ठीक होंगे। यदि बीमारी के कारण कार्यालय से अनुपस्थिति लंबी हो तो इसका अधीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा एक अग्र सक्रिय रवैया अपनाने की आवश्यकता होती है। यदि किसी कर्मचारी ने बीमारी के कारण काफी अधिक अवकाश ले लिया है, विशेषकर जहां अनुपस्थिति बार बार होती हो और स्वयं प्रमाणित हो, तो यह चिंता का विषय होनी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि उस कर्मचारी के साथ बातचीत की जाए कि अनुपस्थिति का कारण कहीं कार्य से संबंधित तो नहीं है, ऐसी अनुपस्थिति का प्रभाव क्या होगा और कौन से उपाय स्थिति में सुधार ला सकते हैं। यदि यह स्पष्ट हो जाए कि कर्मचारी अपनी अस्वस्थता के कारण कार्य करने में असमर्थ है, तो कार्मिक विभाग से वैकल्पिक तरीकों के बारे में राय मांगी जा सकती है। इसमें दायित्व बदलना, कामकाज की व्यवस्था में परिवर्तन या अधिक अनुकूल पद स्थापना आदि शामिल है। यदि अन्य सभी विकल्प आजमाए जा चुके हों, तो तभी अस्वस्थता के आधार पर सेवानिवृत्ति या बर्खास्तगी के बारे में सोचा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में पहले कार्मिक विभाग से संपर्क करना आवश्यक होता है। इसी प्रश्न का जो दूसरा ऑप्शनल प्रश्न है वो देखते हैं हम। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और लाभ अर्जन के बीच संबंध। सामान्यतः यह माना जाता है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व किसी कंपनी के लाभ में वृद्धि कर सकता है और इसलिए अधिकांश बड़ी कंपनियां इसमें सक्रियता दिखाती हैं। फिर भी लाभ अर्जन को सामान्यतः अपरिभाषित तात्विक मूल्यों से जोड़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अधिकांश अधिकारी यह मानते हैं कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी के लाभ में वृद्धि कर सकता है। वे समझते हैं कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व उनकी कंपनी को बाजार में सम्मान दिला सकता है, जिससे बिक्री बढ़ेगी, कर्मचारियों की निष्ठा में वृद्धि होगी और अधिक दक्ष कर्मचारी कंपनी की ओर आकर्षित होंगे। साथ ही साथ स्थायित्व के मुद्दे पर केंद्रित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियां लागत में कमी और दक्षता में वृद्धि कर सकती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए एक सघन लाभ यह है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की आक्रामक गतिविधियां स्टॉक एक्सचेंज में उन्हें सूचीबद्ध किए जाने में सहायता कर सकती है। इससे कंपनी के शेयर मूल्य में वृद्धि हो सकती है, जिससे शेयर धारकों में खुशी का माहौल पैदा होगा। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और लाभ अर्जन के बीच के संबंध का अध्ययन अभी विकास के दौर में है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों का लाभ अर्जन में पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, परंतु उन कुछ मामलों में जहां इसके सकारात्मक प्रभाव है, ये बहुत कम है। उपभोक्ता सामानों के उत्पादन से जुड़े उद्योगों के लिए अधिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बेहतर कॉर्पोरेट वित्तीय निष्पादन से जुड़ा है और औद्योगिक सामानों के उत्पादन से जुड़े उद्योगों के लिए इसका उल्टा सही है। प्रमाण पर आधारित अध्ययनों ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और कॉर्पोरेट वित्तीय निष्पादन के बीच के संबंधों की जांच पड़ताल की है और परिणाम मिले जुले रहे हैं। समग्रतः इन अध्ययनों ने दोनों के बीच एक सकारात्मक परंतु कमजोर सह संबंध पाया है। सर्वेक्षण और शोध पत्र सुझाव देते हैं कि जैसा अधिकांश अधिकारियों की यह मान्यता है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी के लाभ में वृद्धि कर सकता है, सत्य हो सकती है। आज के दौर में कोई बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों से दूर नहीं रहना चाहती। यह इस बात की स्पष्ट स्वीकृति है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कितने महत्वपूर्ण है, भले ही इन्हें परिभाषित करना और लाभ अर्जन के साथ जोड़ना कितना भी कठिन क्यों ना हो। देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को।
मीडिया को नियमित करने के क्रम में कुछ प्रभावशाली और शक्तिशाली समूहों के बजाय लोगों के व्यापक हित की सेवा करने के लिए कुछ दिशा निर्देश तैयार करना चाहिए। दिए गए कथन के आधार पर मीडिया को नियमबद्ध बनाने के लिए कुछ संहिताओं की चर्चा कीजिए। इसके उत्तर को देखते हैं कि मीडिया को नियमित करने के लिए दिशा निर्देश, मीडिया को नियमित करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला, सूचनाओं के प्रबंधन पर एकाधिकार रोकने के लिए विधि निर्माण। पाठकों को पठन पाठन में विषय विविधता बढ़ानी चाहिए जिससे वे उपभोक्ता अधिकारों तथा उच्च गुणवत्ता वाले वे मानक सामग्री से परिचित हो सके। इसके अतिरिक्त ऐसे लेखों एवं सामग्रियों पर रोक लगनी चाहिए जो संदेह उत्पन्न करते हैं। उत्तरदायित्व पाठकों को आकर्षित करने तथा उनके बीच लोकप्रिय बने रहने के समाचार पत्रों के अधिकार पर लोकहितवाद के आधार पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कोई पत्रकार जो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अपने किसी स्वार्थ के लिए या किसी अन्य अनुचित उद्देश्य के लिए करता है विश्वसनीय नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता को मीडिया के मौलिक अधिकार की तरह संरक्षित किया जाना चाहिए। यह निर्विवाद अधिकार है जिस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, यहां तक कि किसी निरोधक कानून द्वारा भी इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में सूचना तथा अन्वेषण ब्यूरो का विकास किया जाना चाहिए तथा उनकी सहायता की जानी चाहिए। केवल लोकहित के प्रति निष्ठा रखने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की बाध्यता से स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर निष्पक्षता की बात करते हैं तो समाचार रिपोर्टों तथा वैचारिक अभिव्यक्तियों को पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। मीडिया को लोगों की उत्सुकता के बजाय लोकहित के मामलों तथा व्यक्तिगत अधिकारों में अंतर करना चाहिए। और अंततः मीडिया को नियमित करने के लिए गैर लाभकारी आधार पर ऐसे समाचार पत्रों की स्थापना की जा सकती है जो विभिन्न वर्गों के प्रति हित समूहों का प्रतिनिधित्व करते हों। तो एक मध्यम स्तर का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। पर्यावरण प्रणाली को सतत बनाने के साथ साथ उससे जुड़ी संस्थाओं की नैतिक दुविधाओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। परितंत्र की सततता के साथ साथ उन संस्थानों जिनका इन मुद्दों से संबंध होता है को विभिन्न नैतिक दुविधाओं का हल करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम सतत पहले की बात करते हैं, सततता नैतिक दुविधा तब उत्पन्न होती है जब अल्पकालिक समस्याओं को दीर्घकालिक समस्याओं पर वरीयता दी जाती है। नैतिक दुविधा तब भी उत्पन्न होती है जब कुछ क्षेत्रों, भागों, सामाजिक वर्गों और मौसमों को अन्य चीजों पर वरीयता दी जाती है। दूसरा है अनुक्रियाशीलता, उस पर हम बात करते हैं। जब कुछ समस्याएं शताब्दियों तक हल नहीं कर मिलती हैं या उपेक्षित बनी रहती हैं, तो निश्चित रूप से यह समाज में प्रचलित नैतिकता की सूचना देती है जो निरंतर जड़ता और उदासीनता के बावजूद दुविधा या असुविधा उत्पन्न नहीं करती है। तीसरा है जवाबदेही। शोधकर्ताओं ने शायद ही अपनी उपलब्धियों को उन लोगों से साझा किया जिनसे लोगों ने ये आंकड़े एकत्र किए हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि नैतिक दुविधा तब भी उत्पन्न होती है जब कोई बड़ा बहुराष्ट्रीय निगम अपनी सूचना या आंकड़ों के बारे में पश्चिमी देशों के अपने उपभोक्ताओं को तो सूचना देता है, किंतु विकासशील देशों में यह सूचना साझा नहीं करता है। फिर क्षमता निर्माण की हम बात करते हैं। जब कुछ फसलों या अन्य कृषि उत्पादों को जानबूझकर शैक्षिक पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक आधार पर, ना कि पोषण या अन्य वैज्ञानिक आधार पर निकृष्ट बताया जाता है, तो ये भी मूल्यों के क्षय का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। स्थान विशिष्टता की अगर बात करते हैं, तो केवल एक छोटे से क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी को का विकास तकनीकी चुनौती के अलावा संस्थागत चुनौती भी बन जाता है। जब अनुसंधान ढांचे, मानव संसाधनों का आवंटन और अनुसंधान में उपेक्षित और पिछड़े क्षेत्रों के बजाय बेहतर और संपन्न क्षेत्रों तथा समुदायों को प्राथमिकता दी जाती है, तो नैतिकता की दुविधा उत्पन्न होती है। अध्येताओं के प्रति अधिकारों और उत्तरदायित्वों में असंतुलन, तो कई बार समुदायों में किए गए अनुसंधानों में क्षेत्र के उत्तरदाताओं को शामिल नहीं किया जाता है,
उन्हें अनुसंधान के निष्कर्षों के बारे में ना तो जानकारी दी जाती है, ना ही उन्हें उन अनुसंधानों के वाणिज्यीकरण से होने वाले लाभों में हिस्सा दिया जाता है। और अंततः नवीन अनौपचारिक आविष्कारों और अध्येताओं का सशक्तिकरण। तो नवीन अनौपचारिक आविष्कारों से सीखने और अनौपचारिक अनुसंधान प्रणाली की उपेक्षा न केवल कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के औपचारिक क्षेत्र को हानि पहुंचाती है, बल्कि जमीनी स्तर पर नवीन आविष्कारों के लिए प्रेरित करने वाले मूल्यों से भी वंचित करती है। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। ये दो भागों में है। पहला भाग देखते हैं इसका। रमेश किसी संगठन में कार्य करता है। एक अति आवश्यक आधिकारिक मीटिंग में अनुपस्थित रहने के कारण उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है। उसके तात्कालिक अधिकारी ने मीटिंग के बारे में उसे कोई सूचना नहीं दी थी, लेकिन अब वह रमेश पर इस बात का दबाव डाल रहा है कि वह उसके विरुद्ध अभिगठन ना करे। रमेश को आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए और क्यों? ये पहला भाग है इस प्रश्न का। दूसरा भाग भी देख लेते हैं। जोगिंदर सिंह एक ऑफिस में कार्य करते हैं। अपने वरिष्ठों के निर्देशानुसार श्रीमान सिंह ने अपने सहायक सुमित से समुद्र तट पर रिसोर्ट के निर्माण की योजना अप्रूवल तैयार करने को कहा। सुमित को पता चलता है कि रिसोर्ट का अधिकांश क्षेत्र समुद्र तटीय नियंत्रण जोन में आता है। इसके अलावा सीआरजेड से संबंधित अनुबंध भी नहीं लिया मालूम पड़ता है। जब वह यह जानकारी जोगेंद्र सिंह को देता है तो वह चिड़का कहते हैं, तुम मुझे कानून सिखा रहे हो, आपके अनुसार सुमित को आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए और क्यों? पहले भाग का उत्तर देखते हैं। उत्तर पर बात करने से पहले, जो ये कंडीशन दी गई है कि बॉस ने जानकारी नहीं दी थी मीटिंग की, और बाद में बॉस ने ये बोला है कि उसके खिलाफ कोई दोषारोपण ना करे, तो खासतौर पर वे विद्यार्थी जो कहीं सर्विस कर चुके हैं, चाहे वे प्राइवेट सर्विस हो या पब्लिक सर्विसेज में हो, तो वो ऐसी सिचुएशन से दो चार जरूर हुए होंगे। तो ये बात जो हमेशा ध्यान में रखने वाली होती है वो यही होती है कि आप जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं तो अंततः आप उत्तरदायित्व होते हैं संस्था के लिए, ना कि अपने इमीडिएट बॉस के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है उत्तर को देखते हैं। रमेश को यह तथ्य स्पष्ट करते हुए कि उसे आधिकारिक मीटिंग के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी, लिखित उत्तर देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति केवल अपने कार्यों एवं गलतियों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। कोई भी कर्मचारी संगठन के लिए कार्य करता है, ना कि किसी व्यक्ति के लिए। अतः किसी कर्मचारी का दायित्व संगठन के उद्देश्य तथा दायित्व के प्रति होता है। इसको आप अंडरलाइन करिएगा। रमेश को किसी ऐसे संगठनात्मक परिवेश में जिसमें कि वह कार्य करता है में प्रचलित ऐसे अनैतिक आचरणों तथा जटिल परिस्थितियों के बारे में बताना चाहिए। रमेश के पर्यवेक्षक का व्यवहार न केवल संगठनात्मक परिवेश तथा नैतिक आचरण के अनुकूल नहीं है, बल्कि उसमें एक नैतिक सार्वजनिक सेवा का निर्माण करने, उसकी सहायता करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नेतृत्व के गुणों का भी अभाव है। इसका दूसरा भाग देखते हैं। किसी कर्मचारी, भले ही वह वरिष्ठ हो, के व्यक्तिगत विचारों को सरकारी नीतियों पर वरीयता नहीं दी जा सकती है। यदि कर्मचारी को लगता है कि उसे दिया गया कोई निर्देश अतार्किक अथवा अवैध है, तो उसे उसका अनुपालन करने से इनकार कर देना चाहिए। यह मान्यता इस धारणा पर आधारित है कि सिविल सेवकों को वृहत सार्वजनिक हित के लिए कार्य करना चाहिए। सुमित को मामले को पर्यावरण विभाग अपने वरिष्ठ अधिकारियों तथा जोगिंदर सिंह के संज्ञान में लाना चाहिए, क्योंकि सिविल सेवकों को सार्वजनिक हित में कार्य करना चाहिए, और यह मामला समुद्र तटीय नियंत्रण जोन अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन है। देखते हैं अगला प्रश्न। जैव नैतिकता के क्या फायदे हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में जैव नैतिकता के योगदान पर चर्चा कीजिए, साथ ही यह भी समझाइए कि कैसे जैव नैतिकता बायोपायरेसी की समस्या से निपटने में भूमिका निभा सकती है। आपको दो प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक प्रश्न आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। देश की महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान में ज्योतिबा फूले के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो स्पष्ट रूप से ये समझ लीजिएगा कि ये दो प्रश्न आपको दिए गए, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है।
ऐसा नहीं करना है कि ये प्रश्न के दो भाग हैं और दोनों को आप लिख रहे हैं वहां पर, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं पहले जैव नैतिकता से संबंधित प्रश्न को। जैव नैतिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1971 में वैने रेसलर पॉटर द्वारा किया गया, इसको अंडरलाइन कर लेना। इसका तात्पर्य जीव विज्ञान व नैतिक मुद्दों से है। इसका संबंध मानव जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करने, विभिन्न मानवीय पहलुओं व सीमाओं जैसे कि गर्भपात व इच्छा मृत्यु, सरोगेसी, संकट के समय अपनाई जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी व जीवन रक्षक तकनीकों, उदाहरण स्वरूप अंगदान, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, या फिर सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कारण से किसी चिकित्सा सुविधा को ना अपनाने से है। जैव नैतिकता का क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी, क्लोनिंग, जीन चिकित्सा, जीवनदायी तकनीकों, मानव जीवन अभियांत्रिकी, खगोलीय नैतिकता, अंतरिक्ष में जीवन व मूलभूत जैविकी तक विस्तृत है। जीवित प्राणियों को लाभ या हानि पहुंचाने वाली मानवीय गतिविधियों के औचित्य का मूल्यांकन करने के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप जीवों के अनुवांशिक रूपांतरण के, यदि ऐसे जीवों को पारिस्थितिक तंत्र में सन्निविष्ट कराया जाए तो अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं। आम लोगों के उपयोग खाद्य एवं चिकित्सा के लिए वाली वस्तुओं की जीन संरचना में परिवर्तन के कारण उन्हें पेटेंट प्रदान करने वाली प्रक्रिया में समस्या आती है। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र के जैव संसाधनों का उस राष्ट्र के या उससे संबंधित लोगों के समुचित अनुमोदन तथा उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिए बिना उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफी संपन्न हैं, लेकिन उनके पास जैव विविधता एवं परंपरागत ज्ञान की कमी है। इसके विपरीत विकासशील व अविकसित देश जैव विविधता व जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान में संपन्न है। जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग उन संसाधनों के आधुनिक उपयोग के लिए किया जा सकता है और इस प्रकार उनके वाणिज्यकरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय, ऊर्जा व खर्च को बचाया जा सकता है। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को अपर्याप्त क्षतिपूर्ति एवं जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में अपर्याप्त हिस्सेदारी देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अतः कुछ देश अपने जैव संसाधनों तथा परंपरागत ज्ञान को अनधिकृत उपयोग से बचाने के लिए कानून बना रहे हैं। तो हमने जैव विविधता से संबंधित उत्तर पर बात कर ली है। अब हम जो दूसरा वैकल्पिक उत्तर प्रश्न था ज्योतिबा फुले के बारे में, उनके योगदान को देखते हैं। ज्योतिबा फुले 19वीं सदी में भारत के प्रमुख सामाजिक सुधारकों में से एक थे। उन्होंने भारत में प्रचलित जाति निषेध के विरुद्ध आंदोलन किया। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध और किसानों तथा निम्न जातियों के अधिकारियों के लिए संघर्ष किया। माना जाता है कि ज्योतिबा फुले अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय प्रारंभ करने वाले पहले हिंदू थे। उनके आंदोलन को देखते हैं। थॉमस पेन की प्रसिद्ध पुस्तक द राइट ऑफ मैन पढ़ने के बाद ज्योतिबा उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि सामाजिक बुराइयों से लड़ने का एकमात्र साधन महिलाओं एवं निम्न जाति लोगों में चेतना का प्रसार था। अतः उन्होंने 1848 में अपनी पत्नी के साथ लड़कियों के लिए एक विद्यालय स्थापित किया। ज्योतिबा ने पुरातन पंथी ब्राह्मणों एवं अन्य उच्च जातियों की आलोचना की और उन्हें पाखंडी कहा। उन्होंने उच्च जातीय लोगों के निरंकुश अधिकारों के विरुद्ध अभियान छेड़ा। उन्होंने किसानों तथा सर्वहारा से उनके विरुद्ध प्रतिबंधों को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। 1851 में उन्होंने एक बालिका विद्यालय स्थापित किया और अपनी पत्नी से विद्यालय में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए कहा। बाद में उन्होंने दो और विद्यालय लड़कियों के लिए तथा एक देशी विद्यालय निम्न जातियों विशेषकर महारों तथा मंगों के लिए खोला। सत्य शोधक समाज भी इन्होंने ही स्थापित किया था। इसको देखते हैं। वर्ष 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य निम्न जातियों के लोगों को ब्राह्मणों के दमन से मुक्त कराना था। संगठन की सदस्यता सबके लिए उपलब्ध थी।
और इस बात के प्रमाण है कि कुछ यहूदियों को भी इसका सदस्य बनाया गया। देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। पहला प्रश्न केस स्टडी पर आधारित है। इसको देखते हैं कि आप एक कंपनी के मालिक हैं, संविदा के आधार पर नियुक्त सोहेल आपकी कंपनी में भर्ती विभाग के प्रमुख हैं। संविदा अनुसार उनसे अपेक्षा है कि वे केवल आपकी कंपनी के लिए ही कार्य करेंगे और अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कंपनी के लिए नए व्यापारिक अवसर और ग्राहकों को आकर्षित करने में करें, परंतु उन्होंने अपेक्षा से अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया, अतः श्रीमान सोहेल ने अधिशेष ग्राहकों को दलाली के बदले में कहीं और भेजना प्रारंभ कर दिया। आपके समक्ष लाए जाने पर इस मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अपने उत्तर की समुचित व्याख्या कीजिए। अथवा दूसरा प्रश्न जो आप वैकल्पिक तौर पर दूसरा कोई अगला प्रश्न जो कर सकते हैं वो ये है कि किसी व्यक्ति के मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। पहले केस स्टडी पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। नियोजन संविदा व्यवसाय की शर्तों के बारे में कर्मचारियों तथा उनके नियोक्ता के मध्य एक वैधानिक करार होता है। यह कर्मचारियों पर कानूनी बाध्यता आरोपित करता है। यह सामान्यतः लिखित तथा हस्ताक्षरित होता है जिससे इसे लागू किया जा सके। किसी कर्मचारी का अपने नियोक्ता के प्रति सत्यनिष्ठा उसका अंतर्निहित कर्तव्य होता है। इस कर्तव्य का संबंध गोपनीयता तथा गैर प्रतिस्पर्धा से होता है। नियोजन के दौरान नियोक्ता के प्रति सत्यनिष्ठा के विरुद्ध कर्मचारियों के व्यक्तिगत हितों की अनुमति नहीं होती है। उपयुक्त मामले में अतिरिक्त कार्य को कहीं और अंतरित करने से पूर्व सुहेल को कंपनी के प्रमुख से सलाह लेनी चाहिए थी, क्योंकि संविदा के अनुसार उन्हें केवल अपनी कंपनी के लिए कार्य करना है। उन्हें अपना विचार नियोक्ता को बताना चाहिए था। यह सुहेल द्वारा संविदा तथा आचार भंग का मामला है। नियोक्ता के ग्राहकों के लिए कहीं और काम करने के लिए करार करना कर्तव्य भंग है। यदि इससे व्यवसाय को हानि पहुंचती है, तकनीकी रूप से ऐसे संविदा भंग नियोक्ता को उससे हुई क्षति की भरपाई के लिए दावा करने तथा संविदा समाप्त करने के लिए अधिकृत करता है। उपयुक्त मामले में सुहेल ने स्वेच्छा से नियोजन संविदा भंग किया है, इसलिए उनके विरुद्ध संविदा में विनिर्दिष्ट अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए किए जाने की आवश्यकता है। इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। मानवीय मूल्यों के विकास में परिवार, समाज तथा शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। तो इसमें पहले परिवार को समझाना है थोड़ा सा। परिवार समाज की आवश्यकता पर आधारित सबसे छोटी इकाई है, इसको अंडरलाइन करिएगा। परिवारों के दायित्व, भूमिका और प्रकार्य में समय के साथ परिवर्तन कम हुआ है। प्रत्येक समाज सांस्कृतिक तथा काल में परिवार पर बच्चों को सत्य एवं मूल्य तथा जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करने का दायित्व रहा है। सत्य, उचित आचरण, शांति, प्रेम तथा अहिंसा के शाश्वत मूल्य परिवार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। माता बुनियाद बनाने वाली, जन्मदाता तथा जीवन को संवारने वाली होती है। बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए घरेलू परिवेश महत्वपूर्ण होता है। परिवार में माँ बाप और बच्चों में प्रत्यक्ष संपर्क होता है, जो माँ बाप के सक्रिय संबंधों तथा परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार बच्चे के व्यक्तित्व और चरित्र को निर्धारित करता है। विभिन्न अध्ययनों ने यह प्रदर्शित किया है कि वे बच्चे जो जीवन में सफल हैं या जिन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, ऐसे परिवारों से होते हैं जिनमें पारंपरिक संबंध अच्छे होते हैं। अतः घर ही लोगों और समाज के प्रति बच्चे के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। बच्चे का बौद्धिक विकास करता है और उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने तथा अच्छे मूल्यों के विकास में सहायता करता है। समाज की बात करते हैं। व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है, उसे समाज की उपलब्धियों के बारे में जानना चाहिए तथा उनसे लाभ उठाना चाहिए। समाज ही अपने सभी सदस्यों को विचार, संस्कार तथा शिक्षा प्रदान करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। समय के साथ ऐसे व्यक्तिगत मूल्यों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति
जो लोगों को दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण लगती है, विधि प्रथा तथा परंपरा की नींव रखती है। इस प्रकार व्यक्तिगत मूल्य सांस्कृतिक मूल्यों के साथ समायोजित होकर या प्रचलित रूढ़ियों से भिन्न रूप में बने रहते हैं। संस्कृति सार्वजनिक मूल्यों को साझा करने वाली ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मूल्य सामाजिक अपेक्षाओं तथा संरचनात्मकता को अनुमति देते हैं। शैक्षणिक संस्थाएं, महात्मा गांधी ने उद्धृत किया है कि बच्चों में अच्छे मूल्यों के विकास का एकमात्र साधन शिक्षा है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अध्यापक सर्वाधिक उपयुक्त मार्गदर्शक होते हैं। शैक्षणिक संस्थान केवल शिक्षा ही नहीं प्रदान करते हैं बल्कि मूल्यों की नींव रखते हैं तथा युवा मस्तिष्कों की दक्षता में भी वृद्धि करते हैं। शिक्षा शिक्षार्थी में बेहतर जीवन की अवधारणा के अनुरूप अपेक्षित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। इस प्रकार शिक्षा अपने उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा पद्धति में मूल्यों से अपरिहार्य रूप से जुड़ी है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के ही माध्यम से समाज अपने वांछित मूल्यों को संरक्षित तथा प्रोत्साहित करता है। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का विकास, ज्ञान की खोज, संस्कृति का संरक्षण, चरित्र का विकास, सामाजिक न्याय का प्रोत्साहन, वैज्ञानिक दृष्टि, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता आदि अच्छे जीवन की विभिन्न शैक्षणिक अभिव्यक्तियां हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। लोक सेवाओं में नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियमन और अंतरात्मा की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसके उत्तर को लिखते हैं, विधि, नियम, विनियम और अंतःकरण लोक सेवाओं में नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत होते हैं। कर्तव्य शास्त्र के परिप्रेक्ष्य से नैतिक दिशा निर्देश के दो स्रोत हैं जिनके द्वारा सिविल सेवक अपने कार्यों में नैतिकता का निर्धारण कर सकते हैं, और वे हैं कानून और अंतःकरण। ये दोनों नैतिकता पर दायित्व डालते हैं कि अच्छा कार्य किया जाए और बुरे कार्यों का निषेध किया जाए। नीति शास्त्र में कानून के अंतर्गत नैतिक विषय आते हैं। लैटिनी भाषा में कानून के लिए प्रयुक्त शब्द लेक्स लैटिनी शब्द लीगेर से लिया गया है जिसका अर्थ है बाध्य करना। यह जन सेवकों को कोई कार्य करने या उससे रोकने को प्रेरित करता है। कानून कार्यवाहियों की एक प्रक्रिया तय करता है जिसका निश्चित रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए। कानून को मानवीय प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। कानून का अनुपालन भौतिक और नैतिक रूप से अवश्य संभव होना चाहिए। कानून लोक सेवकों को न्यायपूर्ण बनाने में सहायता करते हैं जिससे कि वे सबके साथ समान व्यवहार करें। कानून लोक हित के लिए होता है ना कि निजी हित के लिए। यद्यपि कानून मानवीय कारणों से उत्पन्न एक अध्यादेश या नियम है, यह साधारण नियमों या विनियमों के समान नहीं होता। विनियम प्राय कानून को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं, यद्यपि कभी कभी वे अपने उद्देश्य में असफल भी हो जाते हैं। विनियम व्यक्तिगत अच्छाइयों पर अधिक केंद्रित होते हैं, जबकि किसी कानून का उद्देश्य लोक हित पर ध्यान देना है। अंतःकरण मनुष्य का भीतरी गुण है जो मानवीय क्रियाओं की नैतिकता का निर्धारण करती है। अंतःकरण का निर्णय एक विशेष मानवीय अवस्था है जो तब आरंभ होता है जब बुद्धिमत्ता किसी अच्छे या बुरे कर्म के बारे में न्याय निर्णय करती है। कर्तव्य शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अंतःकरण का निर्णय एक विद्वत्तापूर्ण क्रिया है। यह कोई अंतरात्मा की अनुभूति या संवेदना नहीं है बल्कि एक बौद्धिक निर्णय है। इस प्रकार अंतःकरण लोक सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों से नैतिकता से निपटने में सहायता करते हैं। अंतःकरण कानून से अलग है। कानून संबंधित मुद्दों से जुड़ी कार्रवाइयों के बारे में बताने वाला सामान्य नियम है, जबकि अंतःकरण विशिष्ट कार्रवाइयों के लिए व्यवहारिक नियम बताता है। अंतःकरण किसी विशिष्ट कार्रवाई में कानून या नियम का उपयोग करता है, अतः यह कानून से अधिक व्यापक है। कुछ लोगों ने कहा है कि अंतःकरण और कानून के बीच वही संबंध है जो कूची और पेंट के बीच संबंध है। अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न संख्या 11। इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक प्रश्न को आपको लिखना है। पहले प्रश्न को देखते हैं। इसमें नैतिक मानवीय आचार के संदर्भ में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की विवेचना कीजिए। नैतिक मानवीय आचार के संदर्भ में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की विवेचना कीजिए। या दूसरा प्रश्न है, ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के योगदान की चर्चा कीजिए। तो दोनों ही बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये। मैं समझता हूँ कि इसे हल करने में ज्यादा
मुश्किलें नहीं आनी चाहिए, मध्यम स्तर का प्रश्न है। और गौतम बुद्ध की के संदर्भ में भी उनकी जो शिक्षाएं दीक्षाएं थी उन सब से भी हम अच्छे तरह से वाकिफ हैं, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में भी हम अच्छे स्तर पर ज्ञान रखते होंगे। इसी के साथ उत्तर को देखते हैं। मानव के नैतिक व्यवहार हेतु महात्मा बुद्ध के उपदेश। अधिकांश बौद्ध परंपराएं, मुख्यतः थेरवाद और महायान, अपने अनुयायियों हेतु समान नीति निर्देशों की सरस्वती करती है, जबकि मठ के निर्देश क्षेत्र तथा परंपरा के अनुसार बदलते रहते हैं। बौद्ध धर्म में सामान्यतः नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत सदाचरण के 5 नियम तथा ज्ञानोदय हेतु 8 मार्ग बताए गए हैं। इन आदेशों को यहूदी ईसाई परंपरा के समान आदेश के रूप में नहीं दिया गया है, बल्कि यह ज्ञानोदय हेतु निर्देश मात्र है। ज्ञानोदय अथवा संस्कृत में निर्वाण की अवस्था वह मनस्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने वास्तविक अस्तित्व, जो कि अनंत तथा अमर है, जगत की ब्रह्मपूर्ण प्रकृति और परमानंद तथा समभाव का ज्ञान होता है। बौद्ध धर्म के वास्तविक स्वरूप में नैतिक कार्यों के प्रतिपादन या निर्धारण हेतु किसी विशिष्ट ईश्वर की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य मनोआध्यात्मिक सिद्धांत है कि एक विशिष्ट व्यवहार ज्ञानोदय को प्रोत्साहित करता है तथा संकटों का निवारण करता है, जबकि अन्य व्यवहार ज्ञानोदय में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा व्यक्ति के जीवन में संकट की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसी संदर्भ में व्यक्ति के कार्यों को नैतिक या अनैतिक घोषित किया जा सकता है। नैतिक व्यवहार ज्ञानोदय का साधन भी है, परिणाम भी। 5 शिक्षाओं में बुद्ध इन कार्यों को ना करने का उपदेश देते हैं। पहला, प्राणियों को कष्ट पहुंचाना। दूसरा, वस्तुओं का अधिक संग्रह करना। तीसरा, लैंगिक दुराचार। चौथा, मिथ्या भाषण। पांचवा, मादक द्रव्यों का सेवन, जो असावधानी का कारण होता है। यद्यपि अनुयायियों हेतु ये शिक्षाएं लगभग 10 तथा बौद्ध भिक्षुओं हेतु कभी कभी 100 तक पहुंच जाते हैं, किंतु सामान्यतः ये 5 शिक्षाएं ही आधारभूत और महत्वपूर्ण है। निर्वाण हेतु अष्टांग मार्ग के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। पहला, सम्यक दृष्टि। दूसरा, सम्यक संकल्प। तीसरा, सम्यक वाचन। चौथा, सम्यक कर्मांत। पांचवा, सम्यक आजीव। छठा, सम्यक व्यायाम। सातवा, सम्यक स्मृति। आठवा, सम्यक समाधि। ये सदाचरण 3 श्रेणियों में विभक्त है। पहले दो की प्रवृत्ति ज्ञान का संवर्धन और विवेक का निर्माण करने की होती है। इसके 3 नैतिक आचरण से संबंधित है तथा अंतिम 3 बौद्धिक विकास से संबंधित है। इसी प्रश्न में जो दूसरा वैकल्पिक प्रश्न दिया गया था उसको देखते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के योगदान के बारे में पूछा गया था। तो वर्गीज कुरियन ने एक सहकारी आंदोलन प्रारंभ किया जिसने गरीब किसानों के जीवन को पूर्णतः बदल दिया तथा भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। वर्गीज कुरियन 26 नवंबर 1921 को जन्मे थे और एक प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी थे, जिन्हें उनके बिलियन लीटर आइडिया हेतु श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम रहा है। इस योजना के द्वारा भारत दुग्ध अभाव राष्ट्र से विश्व के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र में परिवर्तित हो गया तथा 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए 2012-13 में विश्व में दुग्ध के कुल उत्पादन में 17% का भागीदार बन गया। 30 वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता दुगनी हो गई है। दुग्ध उत्पादन भारत का सबसे बड़ा स्वपोषित उद्योग बन गया है। उनके प्रयासों से भारत खाद्य तेल के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर हो गया। इसके लिए उन्हें सशक्त तेल आपूर्तिकर्ता समूह का अत्यधिक विरोध भी झेलना पड़ा। उन्होंने लगभग 30 उत्कृष्ट संस्थाओं जैसे अमूल, GCMMF, इरमा, NDDB इत्यादि की स्थापना भी की, जिनका स्वामित्व तथा प्रबंधन किसानों द्वारा तथा संचालन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। गुजरात दुग्ध बाजार सहकारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कुरियन अमूल ब्रांड के दुग्ध उत्पादों के सृजन असफलता के लिए उत्तरदायी रही हैं।
अमूल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत में बहुतायत रूप से उपलब्ध भैंस के दूध से दूध के पाउडर का निर्माण है, जबकि अन्य दुग्ध उत्पादक देशों में यह पाउडर गाय के दूध से बनाया जाता है। अमूल डेयरी में उनकी सफलता के कारण 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक सदस्य के रूप में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया, जिससे अमूल के आनंद मॉडल को पूरे देश में दोहराया जा सके। सहकारी आंदोलन के एक महान प्रतिपादक के रूप में उन्होंने न केवल भारत बल्कि विश्व में कई लोगों की गरीबी का निवारण किया है। भारत के मिल्क मैन नाम से प्रसिद्ध कुरियन ने बहुत से पुरस्कार जीते, जिनमें पद्म विभूषण, विश्व खाद्य पुरस्कार तथा सामुदायिक नेतृत्व हेतु मैग्सेसे पुरस्कार शामिल है। देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। नागरिक अधिकार पत्र से आप क्या समझते हैं? किसी संगठन में कार्य संस्कृति एवं सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता में वृद्धि में इसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। नागरिक अधिकार पत्र नागरिकों के लिए सेवा की गुणवत्ता, सूचना चयन तथा विमर्श, निष्पक्षता तथा सुलभता, शिकायत निवारण और सौजन्यता तथा सही मूल्य निर्धारण सुनिश्चित कराता है। साथ ही यह अपनी प्रतिबद्धता पूर्ण करने के लिए नागरिकों से अपेक्षाएं भी करता है। कार्य संस्कृति नागरिक अधिकार पत्र कार्यस्थल की संस्कृति तथा व्यवहार को ग्राहक की संतुष्टि हेतु सुनिश्चित करता है। तेजी से बदलते परिदृश्य में सरकारी संस्थानों की क्षमता, कार्यशीलता तथा सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, अतः सरकारी संगठनों हेतु कार्य निष्पादन में सुधार आवश्यक हो गया है। अधिकार पत्र जवाबदेही और उत्तरदायी शासन तथा सेवाओं की बेहतर उपलब्धता के लिए संगठनों की पुनः संरचना, कार्य निष्पादन में बदलाव और कर्मचारी संतुष्टि को सुनिश्चित करता है। इससे इन संगठनों से सेवाएं प्राप्त करने वाले नागरिक अधिक संतुष्ट हो सकेंगे। अधिकार पत्र संगठनों की क्षमता और योग्यता में सुधार लाता है, जिससे जवाबदेही में वृद्धि होती है तथा प्रशासन नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार ढलता है। सेवाओं की गुणवत्ता नागरिक अधिकार पत्र नागरिकों के संगठनों तथा अधिकारियों की सेवाओं की गुणवत्ता, समय से उपलब्धता तथा जवाबदेही हेतु सशक्त करता है। भ्रष्टाचार में कमी लाता है, यह सेवा की गुणवत्ता हेतु सरकारी अधिकारियों को सतर्क करता है। यह लगातार सेवा प्रक्रिया की पुनः संरचना हेतु व्यवस्था को सक्षम बनाता है। नागरिक अधिकार पत्र की अवधारणा सेवा प्रदाता तथा ग्राहक के मध्य विश्वास की भावना विकसित करती है। इस अवधारणा का विकास तथा क्रियान्वयन लोक सेवाओं में लगातार सुधार के उद्देश्य से होता है, जिससे देश के नागरिकों को उनकी अपेक्षाओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार सेवाओं की प्राप्ति हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। लोग प्राय किसी समूह या महत्वपूर्ण व्यक्ति के सामाजिक दबाव के कारण अपना व्यवहार बदल लेते हैं। दिए गए कथन के आलोक में विवेचना करें कि कैसे सामाजिक प्रभाव और धारणा लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। सामाजिक प्रभाव तब होता है जब लोग या समूह किसी व्यक्ति के विचार या क्रिया को चेतन या अचेतन रूप से प्रभावित करते हैं। सामाजिक प्रभाव के कई रूप हैं, जैसे अनुपालन, सामाजिकता, मित्रों, सहयोगियों का दबाव, आज्ञाकारिता, नेतृत्व, धारण, विक्रय एवं मार्केटिंग। वर्ष 1958 में हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड कोलमैन ने सामाजिक प्रभावों के 3 मुख्य प्रकारों की पहचान की। पहला, अनुपालन। यह तब होता है जब लोग दूसरों से सहमत प्रतीत होते हैं परंतु व्यक्तिगत तौर पर अपनी विपरीत राय रखते हैं। दूसरा, पहचान। जब कोई लोकप्रिय सम्मानित व्यक्ति लोगों पर प्रभाव डालता है। तीसरा, समावेशन। यह तब होता है जब लोग किसी विश्वास या व्यवहार को स्वीकार करते हैं और उससे व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक तौर पर सहमति रखते हैं। धारणा भी एक प्रभाव है, परंतु इस पर संचार की आवश्यकता होती है, जबकि प्रभाव में यह आवश्यक नहीं होता। धारण विश्वास, प्रवृत्ति, ध्येय, अनुप्रेरण या व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। धारण एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मुद्रित या बोले गए शब्दों द्वारा सूचनाओं, संवेदनाओं और तर्क अथवा इनके मिश्रण को संप्रेषित कर किसी व्यक्ति या समूह की प्रवृत्ति को किसी घटना, विचार और उद्देश्य की दिशा में परिवर्तित करना होता है। धारण का उपयोग बहुधा व्यक्तिगत लाभ के लिए भी किया जाता है, जैसे किसी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए,
किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए या मुकदमों की वकालत करने के लिए। धारण को किसी व्यक्ति के निजी या पद से संबंधित संसाधनों का उपयोग कर लोगों के व्यवहार या उनकी प्रवृत्ति में इच्छित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है। क्रमिक धारण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तर्क या कारण की अपील द्वारा विश्वास या प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। दूसरी और अनुमानी धारण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आदत या संवेदना की अपील द्वारा विश्वास या प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। लोक सेवाओं के मूल्य क्या होते हैं? लोक सेवाओं के लिए मूल्य क्यों महत्वपूर्ण है? लोक सेवाओं के मूल्य, मूल्य शब्द का अर्थ है सामान्यतः किसी वस्तु की कीमत समझी जाती है, परंतु सरकारी कामकाज में लोक मूल्य का अर्थ सरकार द्वारा जनता के लिए सृजित सुविधाओं और सेवाओं की समीक्षा से। लोक प्रशासन यथा उत्तरदायित्व, वैधता और जनहित में कई मूलभूत लोक सेवा मूल्य निहित होते हैं, जैसे कि पहला उत्तरदायित्व, प्रभावी प्रशासन के लिए प्रशासकों के विवेक अधिकार और विवेक अधिकार के प्रयोग के लिए उत्तरदायित्व की भावना की आवश्यकता होती है। प्रश्न उठता है कि किन बातों और किन लोगों के प्रति प्रशासकों को उत्तरदायी होना चाहिए। दूसरा वैधता, वैधता को शासन के प्रति लोक स्वीकृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वैधता तब आती है जब शासन को शोषितों की स्वीकृति प्राप्त हो और उन्हें यह विश्वास हो कि शासन करने वाली संस्थाएं जनहित में कार्य करेंगी। तीसरा जनहित, जनहित को आदर्श मानदंड के रूप में देखा जा सकता है जिसमें कुछ लोगों के लाभ की बजाय व्यापक जनता के हित संलग्न हो, भले ही यह कुछ लोगों के हितों के विरुद्ध हो। चौथा मिशन की भावना, लोक सेवकों को इस पर केंद्रित रहना चाहिए कि उन्हें कौन से परिणाम प्राप्त करने हैं और इस बात से प्रेरित होना चाहिए कि वे राष्ट्रहित में कार्य कर रहे हैं। पांचवा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, लोक सेवक विश्वास के कारण अपने पद पर बने रहते हैं जिसमें दो सिद्धांत निहित है। वे अपने पद का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग नहीं करेंगे और वे पक्षपात रहित कार्य करेंगे और किसी व्यक्ति या संस्था को प्राथमिकता नहीं देंगे। निर्भीकता और साहस, लोक अधिकारियों को ईमानदार होना चाहिए और अपने राजनीतिक आकाओं या वरिष्ठ अधिकारियों के किसी अनुचित दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। मजबूत चरित्र और दृढ़ विश्वास ईमानदार कृत्य में सहायक होते हैं। सातवां सेवा और त्याग की भावना, सेवा और त्याग की भावना लोक सेवा का एक अनिवार्य घटक है और लोक सेवकों को इस बात से प्रेरित होना चाहिए कि वे एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य कर रहे हैं। उपरोक्त मूल्यों के साथ लोक सेवाओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, नेतृत्व और उद्यमशीलता भी जुड़े होते हैं। अब इसके महत्व को देख लेते हैं। लोक मूल्य लोक सेवाओं के क्षेत्र में अन्य मूल्यों के सृजन को गति देते हैं और लोक मूल्यों की असफलता को भी रोकते हैं। किसी संगठन के व्यवहार में मूल्य आवश्यक होते हैं और निर्धारण, निर्देशन और सूचित करने के लिए के कार्य में सहायक होते हैं। नौकरशाही में उच्च लोक मूल्यों से जुड़ाव व्यापक रूप से जनता का विश्वास प्राप्त करने में समर्थ बनाते हैं। इसके विपरीत मूल्यों का कमजोर अनुप्रयोग या अनुपयुक्त मूल्यों का उन्नयन लोकतांत्रिक शासन के इन आवश्यक तत्वों में कमी ला सकते हैं, साथ ही साथ नैतिक और निर्णय संबंधी दुविधा उत्पन्न कर सकते हैं। यद्यपि बुनियादी लोक सेवा मूल्य आवश्यक है, यह भी सत्य है कि लोक सेवा के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग मूल्यों की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ तकनीकी, प्रशासनिक और विनियामक कार्यों के लिए अलग अलग मूल्यों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जनता से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाली और जनता से प्रत्यक्ष संबंध न रखने वाली नौकरशाही के लिए अलग अलग मूल्यों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। अंकित एक विद्यार्थी है और आप उसके प्रोजेक्ट गाइड हैं। यह छात्र महाविद्यालय के किसी अन्य विभाग की कक्षाओं में भी सम्मिलित होता है जिसमें निबंध लेखन की आवश्यकता पड़ती है। अंकित अपने द्वारा लिखे गए निबंधों की प्रूफ रीडिंग के लिए आपसे निवेदन करता है। आप उसके कार्यों की सामान्यता जांच पड़ताल करते हैं और पाते हैं कि उसके कार्य का अधिकांश हिस्सा शब्द
इंटरनेट से लिया गया है और उन पर उद्धरण का कोई चिन्ह या उससे संबंधित पाठ्य निर्देश भी नहीं है। आप क्या निर्णय लेंगे? अंकित के भविष्य को क्षति पहुंचाए बिना उसके व्यवहार की निगरानी के लिए उठाए जाने वाले कुछ कदम सुझाइए। यह एक केस स्टडी है और इसके उत्तर में लिखते हैं, जो व्यक्ति वास्तविकता को न समझे उसे विभाग में बने रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है कि कई विद्यार्थी यह नहीं समझते कि इंटरनेट पर उपलब्ध विषय सामग्री नियम एवं शर्तों के अधीन होती है और जब भी उसे लिया जाए तो उससे संबंधित उद्धरण चिन्ह और पाठ्य निर्देश दिया जाना चाहिए। यद्यपि कानून को न जानना बचाव नहीं है, फिर भी बहुत से मामलों का आशय गलत नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि उक्त विद्यार्थी जानबूझकर नकल कर रहा हो और भी इस उम्मीद में कि शायद इससे वह बच जाए अनजान बनने का दिखावा कर रहा हो। ऐसी परिस्थिति में कई विकल्प है। एक तो यह है कि समस्या को अनदेखा कर दिया जाए। दूसरा विकल्प यह है कि आप उसके अध्यापक से संपर्क करके इस समस्या पर विचार विमर्श करेंगे। आप अपने विभाग अध्यक्ष को सूचित करेंगे कि विभाग में एक नकल करने वाला स्नातक विद्यार्थी है। एक विकल्प यह भी है कि आप घटना की चर्चा किसी से ना करें तथा इसे अध्यापन के दौरान होने वाली सामान्य घटना माने। विद्यार्थी को उसके कार्य की हानिकारक प्रकृति की गंभीरता को समझने में सहायता करें, साथ ही यह भी बताएं कि इसमें कैसे सुधार किया जाए। एक बाह्य पर्यवेक्षक यह भी पूछ सकता है कि क्या विभाग अपने नए स्नातक विद्यार्थियों से अभिसंस्करण कक्षाओं में साहित्यिक चोरी ना करने के बारे में चर्चा करता है। एक मुद्दा यह भी हो सकता है कि क्या इस विद्यार्थी के आगामी व्यवहार की बिना उसके भविष्य को नुकसान पहुंचाए निगरानी की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में औपचारिक नैतिक नियमों का महत्व पहले सामने आता है। इसी के साथ ये विश्लेषण समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो।